सस्ती से लेके महंगी तक आपको हर तरह के कागज। हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग की, जो कि होने वाला है हरिद्वार के पवित्र घाट से। ये देखिए, आज 21 जुलाई, टाइम हो रहा सुबह के 7 बजे का टाइम, और देखो घाट पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है चारों तरफ। जहाँ तक नज़र जा रही है सभी की, भक्तों की भीड़ आपको भी नज़र आएगी। और जो सामने वाली साइड है घंटा करके, वहाँ पर सभी कांवड़ यात्रियों के लिए वो अलॉटेड की गई है। और ये जो दूसरी ये वाली हटकी पूरी की जो साइड है, ये अलॉटेड है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि हटकी पौड़ी पर चप्पल जूती अलाउड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेट कर दी गई है श्रद्धालु के लिए, जो भी स्नान करने के लिए आए थे। और वहाँ पर अगर आप देखते हैं दूसरी तरफ में, तो वहाँ पर कांवड़ यात्रा है, सभी की कांवड़ सुंदर सुंदर आपको कांवड़ देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए कांवड़ ही कांवड़ है चारों तरफ में, देखो दूर दूर तक सरकार से श्रद्धालु और आपको कांवड़िया देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब घुटनों तक भी पानी नहीं है, कंट्रोल कर रखा है फ्लो हरकी पौड़ी की तरफ में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर जाएगी, तो वहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखते हैं हरकी पौड़ी की तरफ में, तो यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, देखो बहुत स्लो फ्लो है यहाँ पर, क्योंकि आज के दिन जो है वो स्नान भी है, तो उसी के मद्देनजर जो है इसको रखा गया। जो सामने वाला पुल जा रहा है, ये जा रहा है पार्किंग की तरफ में, भीम गोरा की तरफ, वहाँ पर आपको इसलिए पार्किंग मिल जाती है। सामने आपको दिख रही होगी शिव जी की मूर्ति, और जो रोड जा रहा है वो जा रहा है ऋषिकेश के लिए आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी का फ्लो बहुत ही कम है, ये देखो घुटनों तक ही पानी है यार, और इजीली जो है एक साइड से दूसरी तरफ पार करके जाया जा सकता है, इस लेवल का पानी हो रखा है यहाँ पर। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाले थे, और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो पानी के फ्लो को कंट्रोल कर दिया गया, और इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं सभी श्रद्धालु, इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए फुल ऑन मस्ती चल रही, वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा है। ये देखिए सुंदर सुंदर कावर सजाई हुई है, जगह जगह पर लोग कावर सजाने में लगे पड़े हैं, जल लेने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको कावर ही कावर दिखेगी ये घंटाघर घाट पर। देखो जल लेने के लिए डिब्बिया प्लास्टिक की चेंज है, ये प्लास्टिक की, जो लोग अपने घर जल लेके जाना चाहते हैं तो वो इन्हीं चेंज के थ्रू जो है वो जल, इतनी सुंदर इतनी लंबी कावड़ बनाई हुई है। एक प्रॉब्लम ये है कि देखो चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पन्नी वाले दिखेंगे, कावड़ ले जाते हुए सभी लोग कावड़ ले जाने वाले एक दूसरे को भूले काम से संबोधित कर रहे हैं। ये देखो एक और कावड़, सुंदर सुंदर कावड़ जो है वो बनी हुई है, पन्निया जो पन्निया वगैरह ली हुई है ना बैठने के लिए, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी बचा पड़ा है, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर भी भाई अपनी कावड़ की पूजा करते हुए, सभी लोगों ने अपनी कावड़ की पूजा करी है, सामने तिरंगा भी लगा रखा है कावड़ के ऊपर। ये देखिए दूसरी कावड़,
और फॉरवर्ड सभी बोले यहीं पे नीचे रात को सोए थे और अभी लोग यहीं से अपना सामान सभी लोग फॉरवर्ड को सजा रहे हैं। कुछ लोग अपना सामान वहीं से लेकर आए हैं अपनी जगह से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा है फॉरवर्ड का सामान। ये देखो आपको खावड़ी का ये पर बोले खावड़ की पूजा करते हुए। पैदल खावड़ यात्रा शुरू से वाले डेडिकेटेड है। यहाँ पे देखो वाटर बोटल यूज कर रहे अपनी कावड़ के लिए। नहीं नहीं बहुत सारी भोलियाँ भी आई हुई है कावड़ लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर और ऐसे ना जाने कितने यंग एज के लोग जो हैं वो आए हुए हैं कावड़ के लिए। घाट पर कुछ जगहों पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं लेडीज के लिए, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है और उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा सफाई नहीं है, तो लोग घाट पर ही चेंज कर रहे हैं चाहे मेल है चाहे फीमेल है। थोड़ा सा अनोइंग है बट क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए कावड़ वालों की लाइन जाती हुई, क्योंकि लोग काफी ज्यादा ग्रुप्स में आते हैं और आए हुए भी हैं, तो सब लोग एक साथ ही निकल रहे हैं सीटी बजाते हुए इंडिकेट करते हुए कि भाई रास्ता दे दिया जाए। सस्ती से लेके महंगी तक आपको हर तरह की कावड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आए गए यहाँ पर अपनी कावड़ लेने के लिए। ये देखो एक और लाइन जाती हुई कावड़ियाओं की, घाट पर आपको देखने के लिए मिलेंगी मिठाई और सांड, ये कॉम्प्लीमेंट्री देखने के लिए मिलेंगे। ये पर भाई है ये लोग भी अपनी कावड़ को सजा रहे हैं तैयार कर रहे हैं जाने के लिए। दिल्ली कौन सी यार? तीस से जा रही है। अरे वाह बढ़िया यार, तो आप कलश के साथ में ये भी लेके जाएंगे मूर्तियाँ? अच्छा कितना किलो लीटर दूध लेके वो लेके जा रहे हैं आप गंगा जल? 42 लीटर। बढ़िया यार, चलो जय बोलेगी। जय बोले। कहाँ से आयो? पलवल से। और कितना लीटर लेके जा रहे हो गंगा जल? 80 एक और 20 एक है, टोटल 100। बढ़िया, चलो यात्रा मंगल में हो, जय बोलेगी। एक और नई तरह की कावड़, ये पूरी वेलवेट से बनी हुई कावड़, पूरी वेलवेट से बनी कावड़ है। घाट है इसका गेट है, यहाँ से यहाँ पे आपको गंगा मंदिर माता मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप जूते चप्पल सामने जमा कर सकते हैं। अरे देखो भोले भोले जा रहे हैं कावड़ लेकर अपनी अपनी सामने मोहनपुरी वाले। इस वाले रास्ते से जो है आपको रिक्शे से आना पड़ता है, 2 किलोमीटर का सफ़र है बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन से। फिर आप इस गेट से एंटर करते हैं हरकी पौड़ी के लिए, जहाँ पर आपको जूते चप्पल जो है जाना लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको सारे जूते चप्पल जो है वो यहीं पर ही उतारने पड़ते हैं। ये देखो जगह जगह पर जूते चप्पल है, साइड में जो है वो जूता घर भी बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी सबमिट कर सकते हैं। तो आपको सामने प्राचीन मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सरकार भी आए हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो
गंगा स्नान है। श्रद्धालु जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राचीन गंगा मंदिर है, आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, और जो भी लोग स्नान करने आते हैं वो लोग अपनी पूजा भी कराते हैं। तो जगह जगह पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, और ये देखो चारों तरफ आपको भोले भोले मिल जाएंगे, श्रद्धालु मिल जाएंगे जो कि गंगा स्नान के लिए आए हुए। ये सामने घंटाघर घाट है, जितने भी कांवड़ लेने के लिए लोग आए हुए हैं वो सभी उसी घाट पर है, क्योंकि यहाँ पर कांवड़ियों का जाना अलाउड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए है। और जो पानी का फ्लो है वो गंगा का वो अभी कंट्रोल्ड है, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं है इस साइड में, तो हल्की पौड़ी की तरफ में। देखो यार कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है इस साइड पर, वहाँ हजूम जो है वो उमड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है दोनों ही तरफ में। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक श्रद्धालु श्रद्धालु का काले कांवड़िया जो है वो दिख रहे हैं। ये देखो ये इनका इनकी प्राइस लिस्ट है, कचौरी हलवा गुलाब जामुन, आगे भी आपको मथुरा वाले प्रसाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मथुरा जी प्रसाद पेड़ा पूरी पूरी खाने के लिए जगह मिल जाएगी आपको, और काफ़ी सारी दुकान है खाने के लिए आपको। ये है हरिद्वार के मशहूर मोहन जी पूरी वाला, और ये जो रास्ता है ये मोदी मार्केट के लिए जा रहा है, अब बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, शायद अभी काम स्टार्ट भी हुआ है तो इसलिए भीड़ नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर टोकन बाहर तक भी लोग खड़े रहते हैं खाने के लिए, और टोकन सिस्टम है इनका ऊपर, और थोड़ी सी सिटिंग है, बहुत फेमस है ये, इनकी रेट लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर। चार पूरी सब्जी 100 रुपये प्राइस में आपको मिलती है। ये पूरी मार्केट है पूरी मार्केट, ये रास्ता जा रहा है भीमगोड़ा के लिए, और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है चारों तरफ, जहाँ नजर जाएगी वहाँ पर आपको भूले नजर आएंगे कावड़ के साथ में। आपको श्रद्धालु भूले के जयकारे करते हुए, ये दूसरा गेट है यहाँ पे कंचीकोड़े जाने के लिए। देखो कावड़ जो है यार, सुंदर सुंदर कावड़ लगी हुई है, जिन भी लोगों को कावड़ ले रही है वो यहाँ से ले सकता है सामान है कावड़ से जुड़ा हुआ, उसको सजाने के लिए। स्टेशन से बैठने के लिए पार्किंग गाड़ी यहाँ पे डिप्लॉय हो रखी है, बहुत जगह जगह पे तो लोग ग्रुप में आए हुए बोले खड़े हुए तैयारी कर रहे हैं अपनी कवर बनाने के लिए। खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको ऐसे। ये ऊपर पहाड़ों पर मनसा देवी माता मनसा देवी जी का मंदिर है, यहाँ जाने के लिए आप या तो ट्रैक कर सकते हैं या फिर आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। इसका फेयर आपको पड़ता है 419 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स बोथ साइड। ये रास्ता आ रहा है रेलवे स्टेशन से और हरिद्वार बस स्टेशन से, ये पूरी मार्केट है दोनों तरफ में, आप यहाँ से कावड़ ले सकते हैं प्रसाद ले सकते हैं, बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो कि थाली बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
और पूरा रोड जो है एकदम खचाखच भरा पड़ा है श्रद्धालुओं से, भोले ही भोले और श्रद्धालु ही श्रद्धालु। यह है माता मनसा देवी के मंदिर जाने का रास्ता रोपवे के थ्रू। अगर आप सिर्फ मनसा देवी जाना चाहते हैं तो दो लोगों का फेयर आपको पड़ेगा 398 का, क्योंकि अगर आप सिर्फ मनसा देवी जाना चाहते हैं तो आपको एक जगह एक पर्सन का जो फेयर है वो वही है देखिए 2 का पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स। अगर आप कॉम्बो में जाते हैं तो 419 का आपको फेयर ही मिलता है। ये इसका लोकेशन मैप है। एंट्री करने के बाद में आपकी यहाँ पे चेकिंग होती है बैटरी एंड आप जाते हैं रोपवे के लिए। ये कुछ इस तरह की रोपवे होती है। हाँ, सिर्फ 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये मनसा देवी का, और वो भी नहीं करना चाहते तो हम लोग इसके थ्रू इस रोप रोपवे से हम लोग जा रहे हैं माता मनसा देवी। ऐसा कुछ नज़ारा देखने के लिए मिलता है यहाँ से। मौसम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है इस टाइम पे, क्लाउडी वेदर है और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ से माता गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं साथ ही साथ। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे हम लोगों को यहाँ तक आने में, तो पहुँच गए हम लोग माता मनसा देवी जी के मंदिर। जाते हैं दिखाते हैं, तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मैं भी देखता हूँ कुछ। प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए भी अपने लिए भी। घर से आते हैं तो ये गेट है माता के मंदिर जाने के लिए। यहाँ पर भी आएंगे तो फिर वापस से आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगी, और वापस जाने के लिए भी आपको यहीं से ही जाना पड़ेगा। आपको प्रसाद के लेने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जहाँ जाओ वही भीड़, भीड़ में कोई कमी नहीं है, श्रद्धालुओं में कोई कमी नहीं है, हर जगह आपको श्रद्धालु देखने के लिए मिल जाएंगे। लंबी लाइन लगी है माता के दर्शन के लिए, बहुत भीड़ है यहाँ जगह जगह पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉर्न किया गया जेब कतरे का प्रावधान है, क्योंकि ऐसी भीड़ में आपको पता भी नहीं चलता कब आपके वैल्यूबल आइटम्स गायब हो जाते हैं, थोड़ा भी वेयर है यहाँ पे। बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, ह्यूमिडिटी है बट मौसम की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो श्रद्धालु खूब संख्या में आए गए माता के दर्शन के लिए, सभी लोग अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। ये प्राइस लिस्ट है मंदिर की प्रसाद के लिए। भीड़ हो रखी है, दूरी तरफ से श्रद्धालु आ रखे हैं, जगह जगह देखे मंदिर में गए, तो उन सभी लोगों ने अपने अनूठे चंडी कर दिए। ये हवन कुंड है जहाँ पर हवन कुंड में आया जाता है मंदिर के अंदर। हेलो हेलो। और ये देखो यार बाहर मौसम फुल ऑन बादल हो रखे हैं।
क्या नजारा है। ये देखिए लंबा लंबा जाम लगा हुआ है पूरे रास्ते में, 5-5 घंटे लंबा जाम है ये। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियों को इस तरह से चलाना पड़ रहा है कि किसी भी बंदे को लग ना जाए, ये तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है रास्ते में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।